दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ एक रियल वर्किंग मेटल डिटेक्टर किट। तो आज इस बॉक्स की मदद से हम बनाएंगे एक मेटल डिटेक्टर जो जमीन में दबे हुए मेटल की वस्तुओं को आसानी से डिटेक्ट कर लेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनु और मैं यहाँ पे करता रहता हूँ हर एक तरह के टॉयज एंड गेम्स एक्सपेरिमेंट किट सबकी अनबॉक्सिंग। तो वीडियो को प्लीज कर दीजिए लाइक और लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों बॉक्स इसका मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगा क्योंकि देखिए चोर है और यहाँ पे उसके पास थैला है जिसमें मेटल का काफी सामान है और देखिए पुलिस ने इसे रोक लिया इस मेटल डिटेक्टर की मदद से। और यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई ऊपर की तरफ, लोकेट्स बरीड कॉइन्स ज्वेलरी हिडन ट्रेजर लॉस्ट आइटम्स एंड मच मोर। तो भैया ये क्लेम करते हैं कि ये सब कुछ ढूंढ लेगा, तो जल्दी से बनाते हैं इस किट को और देखते हैं क्या वाकई में ये सब ढूंढ लेगा कि नहीं लेगा। उससे पहले आपको मैं प्राइस बता दूं, इसका प्राइस इसका 439 बट मुझे तो 400 रुपए में मिल गया था। तो सीधे ओपन कर लेते हैं इस बॉक्स को। दोस्तों बॉक्स तो ओपन हो ही चुका है और इसके अंदर सबसे पहले हमको मिल जाती है इसकी इंस्ट्रक्शन बुकलेट और तीन पन्नों की, और बहुत ही अच्छे से इन्होंने बता रखा है कैसे कैसे इसको बनाना है। इसे देख के लग रहा है मुझे बहुत आसान है ये, और ये इसके सिंपल से कुछ पार्ट्स हैं और ये एक डिब्बी है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ओके इसके अंदर है इसका मेन आइटम इसकी पीसीबी और पीछे आपको कॉइल भी दिख रही होगी और यहाँ पे सिंपल से कुछ स्टिकर हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते इसे बनाना, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पर बनके तैयार हो चुका है हमारा हैंड मेटल डिटेक्टर और बहुत ही आराम से बन गया, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी और बहुत ज्यादा कूल लग रहा है, मजेदार लग रहा है। इसके पीछे लगती है 2 AA की बैटरीज, तो बैटरी मैंने लगा ली। अब मैं इसे ऑन करूंगा तो ये ग्रीन लाइट है ना वो जलने लग जाएगी। अगर किसी की ये लाइट नहीं जलती है तो इसको कुछ नहीं करना है, ये बड़े वाला ढक्कन खोल के वापस आपको जो कनेक्शन है वो बस चेंज कर देना है तो आपकी लाइट जो है जलने लग जाएगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं यार इसकी टेस्टिंग, क्या वाकई में कर पाएगा ये डिटेक्ट कि नहीं कर पाएगा, और कई तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि शहर में कुछ खतरनाक हथियार छिपाए गए हैं और उसे ढूंढने की जिम्मेवारी दी है पेपा पिक को। अरे यार इन लोगों ने मुझे ही काम दे दिया, ये इतना बड़ा शहर है मैं कैसे ढूंढूंगा उसे। मुझे याद आया मेरे पास एक मेटल डिटेक्टर है जो मैंने अभी भी बनाया है, चलो उसके इस्तेमाल से मैं उस हथियार को ढूंढता हूँ। सबसे पहले इन गमलों को चेक करता हूँ, इनमें तो कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है डोरीमोन की भी तलाशी लेनी पड़ेगी। ओके, डोरीमोन के पास भी कुछ नहीं है। यहाँ पर मुझे 2 ढेर दिखाई दे रहे हैं मिट्टी के, कहीं इनके अंदर तो नहीं छिपाए हैं, चलो तलाशी लेते हैं। इसके अंदर तो कुछ नहीं है। ओह माय गॉड, इसके अंदर से बीप सुनाई दे रही है, इसके अंदर कुछ है, मुझे देखना पड़ेगा। ओह ये तो एक बहुत ही खतरनाक हथियार था, थैंक गॉड कि मेरे पास ये मेटल डिटेक्टर था जिसकी मदद से मैंने ये ढूंढ दिया। मेरी साइकिल की चाबी मिल ही नहीं रही है, पूरा घर ढूंढ लिया। अरे मेरे पास तो एक मेटल डिटेक्टर है, चलो उसकी हेल्प लेते हैं। अरे यहाँ पे बीप आ रही है, इसके अंदर क्या है। ओ रे ओ माय गॉड, मैं अपनी चाबी यार इसके अंदर भूल गया था, थैंक्स गॉड कि मेरे पास ये मेटल डिटेक्टर था। तो दोस्तों ये था एक नाटकीय रूपांतर और यहाँ पे हमको एक चीज कंफर्म हो गई कि ये जो है ना काफी परफेक्टली काम करता है यार। मुझे काफी मतलब बढ़िया लगा, इम्प्रेसिव लगा, इतनी दूरी से कैच कर ले रहा था मेटल को तो काफी इम्प्रेसिव है। तो यहाँ पे मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये नाटकीय रूपांतर और ये मेटल डिटेक्टर दोनों ही काफी पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यार लाइक ठोक के जाना
और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी किसी नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।